हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस समय वैसे भी बूम चल रहा है, काफी शेयर अपने लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, शेयर के चार्ट्स में काफी अच्छे खासे रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं में से ये एक ये स्टॉक है जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से अपडेट हो जाए करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड, कंपनी यार्न बनाती है, अमंग टॉप 5 मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलिस्टर यार्न इन इंडिया। तो कंपनी पॉलिस्टर यार्न बनाती है, पॉलिस्टर यार्न से ही रिलेटेड ये काफी प्रोडक्ट्स बनाती है, पैड चिप्स, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, फुली ड्रोन यार्न, ड्रोन टेक्सचर्ड यार्न, एयर टेक्सचर्ड यार्न, प्रोपिलीन यार्न, पॉलीप्रोपिलीन यार्न, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बनाती है एंड नैरो वोवन फैब्रिक्स भी बनाती है। करीब करीब कंपनी को 30 साल का एक्सपीरियंस है यार्न में एंड ग्लोबली सर्टिफाइड कंपनी है। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है, इनके प्रोडक्ट से आती हुई दिख रही है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पॉलिस्टर यार्न के, और इनके पास में टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कंपनी, बहुत ही बेहतरीन। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड, इनका अभी क्वार्टरली का रिजल्ट आया है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है, आप देखेंगे द कंपनी है अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईबिटा 188 करोड़ का, इन्होंने 22% का मार्जिन, ईबिटा मार्जिन इन्होंने अचीव किया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन इस बार का ये ईबिटा और ईबिटा मार्जिन रहा है। यूटिलाइजेशन आप सरप्लस कैश टू रिड्यूस डेप्ट, डेप्ट को रिड्यूस कर रहे हैं और ये धीरे धीरे डेप्ट को अपने को बिल्कुल खत्म करने में लगे हुए हैं। 0.72 की डेप्ट इक्विटी रेशियो अब कंपनी की रह गई है। बोर्ड ने अभी फाइनल डिविडेंड भी दिया है 20% का। कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम करती हुई नजर आ रही है। मिस्टर मधुसूदन भगेरिया बोल रहे हैं, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट वी हैव सरपास्ड आवर पीक क्वार्टरली ईबिटा एंड अचीव अ न्यू हाई ईबिटा 188.7 करोड़ इन क्वार्टर फोर 2021। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आती हुई दिख रही है। क्वार्टर फोर 2020 में इनके पास 10% का ईबिटा था, आप देख सकते हैं इस समय जो ईबिटा मार्जिन आप देख सकते हैं इनका जस्ट डबल हो गया, 22% का ईबिटा मार्जिन हो गया। मार्जिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड हुए हैं कंपनी के, बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव्ड होते हुए दिखे हैं। कंपनी रिव्यू, टॉप 5 मैन्युफैक्चरर है पॉलिस्टर यार्न के, और ये विजन इनका क्या है, टू बी वन ऑफ द लीडिंग पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, टू बी कस्टमर फोकस्ड थ्रू स्ट्रिंजेंट क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन। कंपनी आप देख सकते हैं दो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कंपनी के पास, 5 कॉन्टिनेंट्स में कैटर्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड 45 कंट्रीज में ग्लोबली एक्सपोर्ट कंपनी करती है। 2500 से ज्यादा इनके पास टीम मेंबर्स है एंड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कैपेसिटी आप देख सकते हैं 383,000 मेट्रिक टन की इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कंपनी की जर्नी आप देखेंगे 1994 में इन्होंने एक फिलामेंट यार्न बनाया था, मोलो फिलामेंट यार्न का एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसके बाद नोएडा से स्टार्ट किया कंपनी, धीरे धीरे कंपनी ने काफी अच्छा एक्सपेंशन किया, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती चली गई और आप देख सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के शेयर से आती हुई दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 2020 में एक DTY एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इन ऑगस्ट में किया है, जहाँ पे इन्होंने 1.4 मेगावाट का कैप्टिव रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया है दादर एंड दहेज में दिसंबर में ही, एंड साथ के साथ अभी 2021 में 30 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट और ये लगाने वाले हैं, जे FY 2022 में क्वार्टर वन में ये भी लग जाएगा। तो कंपनी कैप्टिव पावर प्लांट में भी लगी हुई है, जिससे कि इनको बाहर से बिजली ना खरीदनी पड़े, खुद ही बिजली बनाने का ये काम कर रहे हैं, जिससे कि इनके जो भी प्रोडक्शन है वो खुद की ही बिजली से चले। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कंपनी का ये एम है, ये फोकस है। ग्लोबल प्रेजेंस आप देखेंगे कनाडा, US, मेक्सिको, सबसे ज्यादा टॉप क्लास जो कंट्रीज हैं, टोटली टॉप क्लास कंट्रीज में ये अपनी प्रेजेंस इन्होंने बना रखी है। 24% ड्रोन टेक्सटिंग यार्न प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड करते हैं ये,
एंड 11% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में इनका रहता है। हम देख सकते हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दादर नगर हवेली में एंड दहेज में, इनके पास में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है। कॉर्पोरेट ऑफिस इनका न्यू दिल्ली में है। प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो, प्रोडक्शन कैपेसिटीज आप देखेंगे सबसे ज्यादा इनके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पॉलिस्टर POY सेमी ड्यूअल की है। एंड साथ के साथ इनके पास में और जो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है और सबकी भी काफी अच्छी खासी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे आप पॉलिस्टर की सबसे ज्यादा इनके पास कैपेसिटी है। प्रोडक्शन परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन है कंपनी की, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी अच्छी है, पॉलिस्टर यार्न में बहुत ही सॉलिड काम कर रही है। इनके प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पॉलिस्टर यार्न, फुली ड्रॉन यार्न भी बनाती है जिनका यूज जो होता है बच्चों के एंड लेडीज के फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है। पॉलीप्रोपीलीन मल्टीफिलामेंट क्रिम्प यार्न भी बना रही है जो अंडर गार्मेंट्स एंड स्पोर्ट वियर वन और सॉक्स बनाने के लिए उनका यूज होता है। पॉलिस्टर पार्शियली ओरिएंटेड यार्न भी बना रही है जो निटिंग एंड वीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स में यूज होता है टेक्सचराइजिंग के लिए। एंड ड्रॉन टेक्सचर्ड यार्न भी बना रही है जिसका यूज फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में होता है। एंड नैरो वोवन यार्न भी बना रही है जिनका रक्स कारपेट टेप्स रिबन्स एंड जिपर्स बनाने के लिए यूज होता है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं जिसमें फिलीग्री जिनका शीर कर्टेन शर्टिंग सूटिंग स्क्रैप्स बनाने के लिए यूज होता है। ओसन बना रही है कंपनी जिनका फ्रिल्स ऑफ ड्रेस बनाने के लिए यूज होता है। चबी यार्न बना रही है जो फैंसी निटवेयर आते हैं जो टी शर्ट आती हैं उनमें इसका यूज होता है। एंड कॉट्सियन यार्न भी बना रही है कंपनी जिसका सूटिंग शर्टिंग फैंसी निटवेयर टी शर्ट में भी यूज होता है। एंड सॉयल FIL बना रही है जिसका यूज जैकेट्स एंड सूट्स बनाने में होता है। एंड फ्लेक्सी FIL जो बना रही है उसका सोफा कवर एंड कार सीट कवर बनाने के लिए यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोडक्ट है कंपनी के पास में और बहुत ही ज्यादा मार्केट पकड़ रही है कंपनी। जो इंडस्ट्रीज हैं काफी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज कंपनी कवर कर रही है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। कैटरिंग आप देख सकते हैं, होम टेक्सटाइल एंड फर्निशिंग में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एथलीजर में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, अपैरल जो भी कपड़े होते हैं उनके लिए इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वोमेन वियर एंड इनर वियर के लिए इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। एंड PPE किट एंड प्रोटेक्टिव मास्क में भी इनके प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस समय इसकी वैसे भी बहुत डिमांड है और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि आने आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऐसी काफी चीजें बना के अपने पास में रिजर्व में भी रखेगी जिससे कि कभी भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो यूज कर पाए, रेडी टू यूज रहे। तो कंपनी आप देख सकते हैं डायवर्स पोर्टफोलियो है कंपनी का और डायवर्स सेगमेंट है कंपनी के पास में। ESG एफर्ट्स कंपनी की तरफ से आप परफॉर्मेंस हाइलाइट्स अगर देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 21 करोड़ का प्रॉफिट इनका 118 करोड़ का हो गया। कितना गजब का जंप आया है, करीब 300-400% का जंप आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। प्रोडक्शन की जो सेल है वो भी कंपनी की धीरे धीरे बढ़ी है। तो अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से और कंपनी की बैलेंस शीट में अब देखने को मिल रही है। आगे आने वाले टाइम में कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है पॉलिस्टर यार्न में। वी बिलीव दैट पॉलिस्टर विल बी फाइबर ऑफ द फ्यूचर। फिलाटेक्स हैज फोकस्ड इट्स फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स ऑन पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न जिसमें ये अफोर्डेबल प्राइसिंग, हाई ड्यूरेबल, इजी वॉशेबिलिटी, हाई कलर रिटेंशन, एब्रेशन ऑफ माइल्ड ड्यू रेजिस्टेंस, रिंकल रिसाइलेंट ब्लेंड्स ऑफ विद अदर फाइबर्स, फास्टर ड्राइनेस, स्ट्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग। तो बहुत ही बेहतरीन पॉलिस्टर का आगे अच्छा खासा इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से ये फ्यूचर में कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। वर्ल्ड फाइबर प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है अच्छी खासी। ग्रोथ ड्राइवर क्या है एक्सटर्नल कंपनी के लिए, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी काफी है और जो न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी है जिनका जो एम है अचीव करना कि $300 बिलियन $300 बिलियन का ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करवाएंगे जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके थ्रू 2024-2025 तक, तो उससे कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलेगा। जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की उसके सामने
एंड रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड भी कंपनी के सामने आ रही है पॉलिस्टर यार्न को लेके। रिसाइकल्ड यार्न इंडस्ट्री से भी कंपनी को फायदा आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। एंड चाइना का जो फैक्टर है, चाइना कंपनी इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग लोकेशन टू चाइना में इंक्रीज एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्लेयर। तो चाइना से जिस तरीके से जो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज अब होता हुआ दिखेगा और चाइना में इनका जो प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, उससे भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा होगा। गवर्नमेंट के क्या बूस्टर्स हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उससे इनको काफी फायदा मिल रहा है। प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान्स जो हैं एमएमएफ यार्न पे और एमएमएफ सेक्टर पे, उससे भी इनको काफी अच्छा फायदा दिखेगा पीएलआई स्कीम के थ्रू। वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया, कंपनी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बना रही है जिनको मार्केट में अच्छे तरीके से यूज किया जाता है और जा रहा है। इंपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रूव प्रोवाइड प्रूफ 30% वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स इंपोर्टेड थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टू कस्टमर अथॉरिटीज विच हैव हेल्प्स रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ चाइनीज यार्न एंड फैब्रिक वाया बांग्लादेश इनटू इंडिया। तो जो रिड्यूस जो कर दिया गया है जो इंपोर्ट करना बाहर से, उससे भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। और आने वाले टाइम में जो बजट में जो बोला है मेगा टेक्सटाइल पार्क जो लगेंगे 7, उनसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा जोर पकड़ेगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, क्रेडिट लिंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी से भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से भी बूस्टर डोज मिल रहा है, इंडस्ट्री से भी बूस्टर डोज मिल रहा है, काफी अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आने वाले टाइम में आपको आती हुई दिखेगी। ग्रोथ ड्राइवर इंटरनल क्या है, कंपनी पूरा फोकस करे हुई है एक्सपोर्ट के लिए और कंपनी जो कैप्टिव पावर प्लांट लगा रही है तो ये अपनी पावर की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी। जो पावर की कॉस्ट है उससे ये करीब करीब अपना 45 से 50 करोड़ एनुअली बचाएगी। तो फ्रेंड्स इसलिए कंपनी की ग्रोथ और अच्छी पकड़ेगी। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो कंपनी जो जोड़ रही है आगे आने वाले टाइम में, एक्सपेंशन कर रही है जो डीटीवाई में 210 प्रोडक्ट से 400 टन तक, तो उससे भी कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखेगा जिसमें ये अपने नीच प्रोडक्ट बनाएंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एंड केपेक्स भी कंपनी आगे आने वाले टाइम में 4 से 5 साल के लिए जो कंपनी ने अभी जो केपेक्स किया है और आगे आने वाले टाइम में FY 2022 में ये कैपिटलाइज ऑफ फुल ऑफ कैपेसिटी एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक टू ऑफ स्केल, तो उसको भी आगे ये करते हुए दिखेंगे आने वाले 4 से 5 साल में। और 4 से 5 साल के अंदर इन्होंने जो केपेक्स अभी किया है वो भी रैपिडली ग्रोथ पकड़ेगा और फुल कैपेसिटी से चलेगा। तो फ्रेंड्स बेहतरीन कंपनी, अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई और ऐसी ही परफॉर्मेंस मार्केट जो इनका सेजमेंट जो इनका मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही परफॉर्मेंस पॉलिस्टर यार्न से आती हुई दिखेगी। जिस तरीके से ये पॉलिस्टर यार्न से अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है, गवर्नमेंट का भी सहायता मिल रही है, इंडस्ट्री से भी पूरी एड मिल रही है, तो आगे अच्छे खासी पॉजिटिव ट्रेंड में ये शेयर बहुत अच्छे समय के लिए रह सकता है आने वाले 4 से 5 साल के लिए। तो एक बार टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे, एक बार चार्ट देखेंगे कि चार्ट में लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट हो सकते हैं। ये इनका चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट, यहाँ पे शेयर ने काफी फॉल दिखाया लेकिन उसके बाद में देख सकते हैं आप अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के पास इनका चार्ट खड़ा है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। 100% एनालिस्ट अब भी बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। सेक्टर का पीई माइनस में है लेकिन इनका पीई अब 10 PE के रेशो पे कंपनी का शेयर काम कर रहा है जो कि बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट से अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही है। आज भी 15% शेयर बढ़ा हुआ है एंड आप देखेंगे 0.56% की डिविडेंड यील्ड है। तो एक बार हम चार्ट पे फिबोनाची की टूल लगा के देखेंगे, ये इनका चार्ट है, यहाँ देख सकते हैं आप करीब करीब 2011 से लेके 2016 तक कंपनी के शेयर में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई, करीब करीब 6 साल के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन आप उसके बाद देखें बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के शेयर से आती हुई दिखी। तो हम यहाँ ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम को, ये वाला जो टाइम है, इस वाले टाइम को हम, अब मैं आपको एक बार वीकली मंथली में आपको चार्ट लगा के दिखाता हूँ कि मंथली में कंपनी का क्या चार्ट बोल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इस वाली लाइन को हम अपना लेके चलेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये तो टाइम इसका निकल गया, काफी टाइम पुराना है ये,
तो इसको बेस ना लेके हम ये वाला बेस लेंगे जो 2020 में इन्होंने ये जो बेस बनाया है, तो 2020 के बेस को हम लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ये वाला एक बार चार्ट हम लगा के देखेंगे कि कंपनी का शेयर कहाँ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 3 महीने से कंपनी का शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के पास है बिल्कुल, और अपनी बिल्कुल ये 38.2 की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर करीब 3 महीने से टिका हुआ है। और इसको देखते हुए लगता है कि कंपनी का शेयर बिल्कुल अपने पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में है सबसे पहली बात तो शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम ये वाली जो रेजिस्टेंस है हम इसको हम ये बेस ये वाला मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे करीब इसने 5 से 6 महीने बिताए हैं। तो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखते हैं तो कंपनी का शेयर 3 महीने से इसमें भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अपनी 38.2 की रेजिस्टेंस के ऊपर ही बना हुआ है और बिल्कुल हाईली बुलिश ट्रेंड में है शेयर। जब तक ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म में 45 के नीचे नहीं आता हुआ दिखे, जब तक इसका कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, और जब तक ये शेयर आपको 40 के नीचे जब तक नहीं आता हुआ दिखे, जब तक इसका कोई भी लॉन्ग टर्म के चार्ट पे भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, शेयर इस समय अपना शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए शेयर इस समय अपना हाई बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में ये शेयर आपको 100 रुपीज के प्राइस दिखा सकता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, एंड लॉन्ग टर्म में ये शेयर यहाँ से भी डबल हो सकता है जिस तरीके से कंपनी के बेहतरीन फ्यूचर प्लान्स हैं और कंपनी जिस तरीके से पॉलिस्टर यार्न से स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बना रही है। तो फ्रेंड्स शेयर का चार्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए बुलिश है। आपको आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको 100 रुपीज के टारगेट दिखा सकता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये शेयर यहाँ से अगर आप 1 से 2 साल के लिए शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको 200 रुपीज के भी टारगेट नजर आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार देख सकते हैं, टेक्निकली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको हर एक RSI MACD हर एक पे आपको वीकली एंड मंथली आप देख सकते हैं, आपको मंथली एंड वीकली आपको माइंडली बुलिश एंड बुलिश नजर आएगा जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और एक बार हम इनका फेस वैल्यू देख लेते हैं, तो फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 2 की फेस वैल्यू चल रही है शेयर की और 22 की बुक वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ही आप देख सकते हैं शेयर ने अपना हाई लगाया है, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई शेयर ने छुआ है। 85 के टारगेट दे रहे हैं ICICIdirect.com जो उसके आसपास ही शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंट अगर देखेंगे शेयर डिविडेंट बिल्कुल डिविडेंट नहीं देता है, रेगुलर डिविडेंट शेयर ने नहीं दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी आपको रेगुलर डिविडेंट देती हुई देख सकती है। जिस तरीके से कंपनी फ्यूचरिस्टिक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है 2 क्वार्टर में 66 करोड़, 118 करोड़, आप देख सकते हैं 18 करोड़ जो इनका प्रीवियस ईयर में आया था, इनका जो 21 करोड़ जो प्रीवियस ईयर में था आप इस बार देख सकते हैं इनका 118 करोड़ लगभग 300-400% इनका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। इसी तरीके से EPS भी बेहतरीन परफॉर्मेंस EPS से भी आती हुई दिखी है फिलाटेक्स इंडिया की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 की ROE कंपनी जनरेट करती हुई दिख रही है। और डेप्ट इक्विटी रेशियो तो कंपनी ने बोला ही है कि धीरे धीरे डेप्ट को वो रिड्यूस कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में मैंने आपको टारगेट बता ही दिए हैं कंपनी के, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ये जो जिस तरीके से ये जो सेक्टर बूस्ट कर रहा है, ये जो सेक्टर बूम पे आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सेक्टर, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके ये स्टॉक दिखा सकता है। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में और मिड कैप में तो वैसे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।